अभी 2 दिन पहले सीए फाइनल के रिजल्ट आए, उसमें मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया और अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ ये एग्ज़ाम क्लियर करते ही। कैसी रही आपकी जर्नी? सीए टॉपर पूरे इंडिया में आपने टॉप किया है, तो कैसे आपकी जर्नी? अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए तो पता ही है, जर्नी आसान तो होने से रही। तो मेरी जर्नी चालू हुई थी 2018 में मेरी 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देने के बाद। तो सबसे पहला लेवल था CPT। उसमें सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी कि एग्ज़ाम के बाद तुरंत वापस पढ़ना होता है और वो भी 2-3 महीनों में पूरा सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो उसमें भी रोज़ लगातार एग्ज़ाम ख़त्म होते 2 दिन रोज़ लगातार 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे रोज़ क्लास होती थी। क्लास होने के बाद वापस आके पढ़ना पड़ता था। कभी सुबह की क्लास होती थी तो उसके पहले सुबह उठ के पहले पढ़ के जाना पड़ता था। तो वो 2-3 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं, उसमें पढ़ते रहते। कुछ मज़े तो मिलते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि एक बार 12th की बोर्ड्स दे दी, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, मज़े करेंगे। बट अगर CA करना हो तो ये सब में इतना सब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो ये था, ये सब त्यागना पड़ता है। कितना घंटा आप स्टडीज़ करते थे पूरे दिन में? तो अभी मैंने ऐसा है ना, मैं कभी ऐसे डेली टारगेट रखता नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। वो मैं रखूँगा ना तो मेरा सिर्फ ध्यान टाइम पे रहेगा और पढ़ाई पे नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता था कि समझो आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने, मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं वैसे टारगेट रखता था। बट अभी CA फाइनल का पोर्शन है इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना डिफिकल्ट है, तो 10 से 12 घंटे तो होते ही होंगे मिनिमम स्टार्टिंग में। और एग्ज़ाम के टाइम शायद 15 घंटे तक भी होते होंगे एग्ज़ाम के दिनों में। मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया, मेरी मम्मी ने मेरा मम्मी का डैडी का दोनों का रोल निभाया। मेरी बहन ने मेरा साथ दिया, मेरी बड़ी बहन है। एक बड़े भाई की कमी थी, वो मेरे जीजू ने उनकी कमी पूरी कर दी।